हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य नेवी एंड एयरफोर्स में। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो आपका एमआर का क्या है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। इसमें सीरीज चल रही है, तो मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज थर्ड आपके सामने आने वाली है, तो यही थर्ड है। तो चलिए समय ना बर्बाद करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे क्या है कि आप याद रखिएगा, यहाँ से 90 प्लस परसेंटेज आपका बनता है क्वेश्चन एग्जाम में आने की। 90% प्रोबेबिलिटी बनती है कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो समय ना बर्बाद करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। और क्या है, अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और दिन में 2-3 वीडियो आपको डेली मिलती रहेगी। और कहाँ मैराथन भी क्लास है आपको स्टार्ट होने वाली है। और क्या है कि आपको PDF अगर चाहिए तो आप अपना नंबर व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको PDF वहीं पे सेंड कर दूंगा। तो चलिए समय नंबर बताते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने कहता है, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर आपको बतानी। तो यदि आपने ऑप्शन बी चुना है, खान अब्दुल गफ्फार खां, तो राइट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, कहता है सबसे लंबी तटीय रेखा किस प्रांत की है। तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कहता है किस राज्य की जो रेखा है, मतलब तटीय रेखा सबसे लंबी है। राइट आंसर मतलब कौन सा राज्य है जिसमें समुद्र तट ज़्यादा पाए जाते हैं। तो यदि आपने ऑप्शन डी चुना है, गुजरात, तो राइट आंसर याद रखिए गुजरात का जो है समुद्र तटीय भाग सबसे ज़्यादा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, कहता है यूरेनियम सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना झारखंड में, तो राइट आंसर यूरेनियम सबसे ज़्यादा झारखंड में पाया जाता है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, कहता गोदान के लेखक कौन है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। तो यदि आपने ऑप्शन बी चुना है, प्रेमचंद ने, तो राइट आंसर हो जाएगा गोदान के लेखक कौन है, प्रेमचंद हो जाएंगे, मुंशी प्रेमचंदीदा राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पुस्तक से आया क्वेश्चन। कहता है इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक कौन है। राइट आंसर यहां से आपको बतानी। तो यहां से अगर आपने ऑप्शन सी चुना है, किरण देसाई, तो राइट आंसर इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक जो है किरण देसाई, आपका ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, कहता है इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली महिला कौन थी। राइट आंसर आपको बतानी, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन सी चुना आरती शाह, तो राइट आंसर इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली महिला थी आरती शाह, इधर राइट आंसर हो जाएगा। 7 की बात करें, कहता अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन बी चुना है, सर सैयद अहमद खां, तो राइट आंसर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद खां थे। 8 की बात करें, कहता आपातकाल की घोषणा अधिकतम कितनी अवधि तक हो सकती है। राइट आंसर आपको बतानी। तो यहां से अगर आपने ऑप्शन डी चुना, इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर हो जाएगा 2 महीने, 6 माह, 12 महीने, ऐसा नहीं है, आपातकाल की अवधि इतनी नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इंक्लूड है, याद रखिएगा। कहता भारतीय थल सेना में कितने कमान है। राइट आंसर आपको पता नहीं, उसमें कितने कमान होते हैं। तो यहां से अगर आपने ऑप्शन सी चुना है, 7, तो राइट आंसर होगा भारतीय थल सेना में कमानों की संख्या 7 होती है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, कहता मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। राइट आंसर यहाँ से आपको बतानी है, मूंगफली के सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है। तो मूंगफली की बात करें, तो अगर आपने ऑप्शन बी चुना है, गुजरात, तो राइट आंसर याद रखिएगा मूंगफली का जो उत्पादन है सबसे ज्यादा गुजरात में होता है। 11 की बात करें, ध्यान से देखिएगा, क्या था भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है। तो सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन सी चुना है, कर्क रेखा, तो राइट आंसर जाएगा, क्योंकि कर्क रेखा क्या है, 8 ऐसे राज्य से मिलकर होकर गुजरती है जिनके नाम है मित्रपर गमछा जार।
क्वेश्चन नंबर 12 पे की बात करें तो ध्यान से देखिएगा, कहता है टिहरी बांध उत्तर प्रदेश किस नदी पर स्थित है। राइट आंसर आपको बतानी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपकी एग्जाम में। तो यहाँ से अगर आपने फर्स्ट सुना है भागीरथी, तो राइट आंसर भागीरथी क्या है, टिहरी बांध बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, 13 नंबर कहता है भारत में सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना कहाँ है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर आपको होता नहीं। तो यदि आपने फर्स्ट सुना डिगबोई, तो राइट आंसर डिगबोई में सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, 14 नंबर कहता है स्वेज नहर किस किसको जोड़ती है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर आपको होता नहीं। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना भूमध्य व लाल सागर को, तो राइट आंसर भूमध्य व लाल सागर को क्या है, स्वेज नहर जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 15 नंबर कहता है कि नील ग्रह किसको कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में से, क्योंकि ग्रह से वन क्वेश्चन आता ही जाता है, नीला ग्रह जिसे बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। अगर आपने पृथ्वी चुना है तो राइट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी को क्या है, नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, देखिए एसके से सीरीज चला रहा हूँ आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता जसपाल राणा निम्न में से किस खेल से जुड़े हैं। तो राइट आंसर आपको बता नहीं, जसपाल राणा। तो यदि आपने ऑप्शन सी चुना निशानेबाजी से, तो राइट आंसर जसपाल राणा का जो संबंध है निशानेबाजी से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। 17 कहता 17 नंबर कहता है भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कौन सी है। राइट आंसर ये भी बतानी है, तेल रिफाइनरी जो सबसे पुरानी कौन सी। तो यहाँ से भी अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना डिग बोई, तो राइट आंसर जो है भारत की सबसे पुरानी क्या रिफाइनरी तेल, डिग बोई इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, कहता है निम्न में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर आपको पता नहीं। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन डी चुना है संगीत के क्षेत्र में, तो राइट आंसर जो भौतिक रसायन और क्या है शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। इसकी स्थापना 1901 में हुई थी, अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, कहता है 19 नंबर कहता है निम्न में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आप भी से बनते ही बनते हैं। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन बी चुना है एम एफ हुसैन तबला, तो राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं जाकिर हुसैन जो है तबला संबंधित है। यहाँ पे पंडित रविशंकर याद रखिएगा सितार बजाते हैं, आर के नारायण उपन्यासकार हैं, और यहाँ पे कैकी आजमी कविताकार है याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बजेंगे तो आप अच्छे से क्वेश्चन को गेन कर पाएँ। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप कितने क्वेश्चन गेन कर पाते हैं। कहता है कि विश्व एड्स दिवस डैश को मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस को मनाया जाता है याद रखिएगा, दिवस से भी वन क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते ही बनते हैं। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट सुना 1 दिसंबर को, तो राइट आंसर हो जाएगा 1 दिसंबर को क्या है, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस याद रखिएगा, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती या लाल बहादुर शास्त्री जयंती या तो अहिंसा दिवस है ना। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम व्यू से, क्योंकि ये भी दिवस से भी क्वेश्चन है। तो यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय महिला की बात करें, अगर आपने फर्स्ट सुना 8 मार्च, तो राइट आंसर 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, कहता है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से कौन सी प्रसिद्ध है, मतलब भारत कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है। राइट आंसर आपको पता नहीं। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन सी चुना है सरोजिनी नायडू, तो राइट आंसर याद रखिएगा सर कोकिला जो है लता मंगेशकर है, भारत कोकिला क्या है, सरोजिनी नायडू इज द राइट आंसर। 23 की बात करें, कहता है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे जुड़ा है। राइट आंसर आपको पता नहीं, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। यदि आपने ऑप्शन सी चुना खेलकूद के क्षेत्र में, तो राइट आंसर द्रोणाचार्य पुरस्कार जो जुड़ा है खेलकूद से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, कहता है देलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर आपको बताना।
तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन डी चुना है माउंट आबू में, तो राइट आंसर होगा माउंट आबू क्या है, दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 2022 का फीफा विश्व कप फुटबॉल कहाँ आयोजित होगा। राइट आंसर आपको बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन बी चुना है कतर में, तो राइट आंसर हो जाएगा 2022 का विश्व फीफा विश्व कप फुटबॉल जो है कतर में मनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर गणित और विज्ञान की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। पीडीएफ पाने के लिए आपके यहाँ अपना नंबर व्हाट्सएप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ व्हाट्सएप कर सकता हूँ। कहता है एक वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 1,38,600 वर्ग मीटर है, इसके चारों ओर 2 रुपया प्रति मीटर की दर से तार खींचने की क्या लागत हो आएगी। राइट आंसर आपको बताने। तो सिंपल क्वेश्चन है, अब क्या है तार खींचने की लागत पूछा है। पहले इसकी रेडियस निकाल लेते हैं क्योंकि क्षेत्रफल दिया है, तो रेडियस इक्वल क्या आ जाएगा 13,8,600 बटे 22 × 7, 22 से काटेंगे तो क्या होने वाला है आपका जो टोटली मान यहाँ पर मिलने वाला है 210 मीटर, आर का मान मिलने वाला है। एंड अब आगे देखते हैं 210 आ गया, 210, अब इसका क्या करेंगे 2πr पर निकालेंगे, और 2πr मतलब 2 × 22 / 7 × 210। अब आपसे लागत पूछा है लेकिन किसके रेट से, 2 रुपये के रेट से, 200 गुणा कर दीजिए 7 से काटेंगे 3 बार 30 हो जाएगा, और यहाँ से काट देखिए 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12 है, 12 का 22 में गुणा करेंगे, 12 × 22 0 बढ़ाएंगे, 12 × 2 = 24 है ना, हाथ में लगा 2 × 12 = 24 = 26। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 26 = 40 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर टू की बात करें, देखिएगा कहता 4x² - 9 का गुणनखंड है। सिंपल क्वेश्चन है, एक देखिए एक ब्रैकेट में a² - b² इक्वल टू होता है एक ब्रैकेट में a - b, एक ब्रैकेट में a + b। अब यहाँ पे बात करें तो a - b, एक प्लस बी कहाँ से, a में नहीं है और सी में भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें, ध्यान से देखिएगा, या तो 5x + 4 = 3x + 8 है, एक्स का मान, और 5 में से 3 घटाएंगे 2x, और 8 में से 4 घटाएंगे 4, एक्स का मान कितना होगा 2 हो गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करें, ध्यान से देखिएगा, कहता है 2³ / 3² / 2 / 2² / 3 का मान। सिंपल क्वेश्चन है, तो 2³ / 3² = 9 हो जाएगा, भागे क्या करेंगे 2² / 4³, तो यहाँ पे होने 2² / 9 और 4³। तो कैलकुलेशन करेंगे हमको क्या मिलने वाला है, यहाँ पे इसको ऊपर भेज देंगे तो 2² / 9 / 2² / 6, और 9 में से 6 जगह 3, 2³ की वैल्यू क्या होती है 8 होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 5 की बात करें, sin 30° का मान पूछा है, sin 30° का मान होता है 1/2, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, कहता है sin²θ + cos²θ का मान क्या होगा। राइट आंसर ऑप्शन, तो फार्मूला है इसका, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा, 1 हो जाएगा, sin²θ + cos²θ का मान जो होता है 1 इज द राइट आंसर। 7 की बात करें, कहता है एक कार 1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करती है, तो कार की गति किलोमीटर प्रति घंटा में होती है। सबसे सिंपल है किलोमीटर, तो 10 × 18 / क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 10 होगा, 5 से काटिए 2 बार, 18 × 36 मतलब 36 किस में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी इसकी चाल। 8 की बात करें, कहता है log base 2 + log 3 base 3 + log, सबसे सिंपल क्वेश्चन, जब भी बेस सेम रहे तो इसका मान 1 हो जाता है, 1 + 1 + 1 3 बार है, तो 1, 2, 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। 9 की बात करें, ध्यान से देखिए, कहता है एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 1960 वर्ग मीटर है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:2 है, तो इसकी लंबाई क्या होगी। सिंपल क्वेश्चन बताइए राइट आंसर।
तो क्या है इसका हम क्या है, अरे सिंपल, 5 दूना 10, 10 की वैल्यू क्या है, 10 की वैल्यू है 1960, लेकिन एक्स स्क्वायर है 10 से ख़त्म, और 196 किसका होता है, 14 का, एक्स का मान कितना आ गया 14, और यहाँ पे पूछा क्या गया इसकी लंबाई, तो लंबाई आपकी 5 है, 14 × 5 कर दे, 14 × 25 = 70, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, कहता है log 8 / log 1/8, सिंपल क्वेश्चन है, क्या जाएगा log 8 है तो माइनस, प्लस हो जाएगा log 1 − log 8, और log 8 से log 8 कर सम log 1, और log 1 की वैल्यू होती है हमेशा 1, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी द राइट आंसर, सॉरी यहाँ पे माइनस डी हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि माइनस ही था, माइनस डी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, ध्यान से देखिएगा, कहता है कि एक पेड़ की लंबाई 20 मीटर है, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 45 है तो उसकी छाया, सिंपल क्वेश्चन है, छाया पूछा गया है, तो इसकी लंबाई है 20, और छाया मतलब ये वाला नीचे वाला भाग, और 45 जब भी बने तो सेम होता है, तो ऑप्शन नंबर बी ए द राइट आंसर, 20 मीटर इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, ध्यान से देखिएगा, कहता है sin 240 का, तो sin 240 को लिख सकते हैं sin 180 + 60, क्यों भैया, और sin 180 + 60 मतलब जाएगा तीसरे में, और माइनस हो जाएगा sin 180 के साथ चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पर जाएगा cos 60 का −√3/2, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, ध्यान से देखिएगा, कहता है गन पाउडर में होता है, जो गन के पाउडर होते हैं उसमें क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट सुना है KNO3 चारकोल और गंधक, तो राइट आंसर KNO3 और चारकोल और गंधक होते हैं गन पाउडर में। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, कहता है निम्नलिखित में से प्रोटीन का सर्वप्रथम स्रोत है, सर्वप्रमुख स्रोत है कौन सा, तो प्रोटीन की बात करें तो अगर आपने ऑप्शन डी चुना है सोयाबीन, तो राइट आंसर होगा सोयाबीन क्या सर्वप्रमुख स्रोत है प्रोटीन का। 15 की बात करें, कहता है सूर्य हमें सूर्योदय की कुछ पहले एवं सूर्यास्त की कुछ देर बाद तक दिखाई देता है, कारण है मतलब लाल की बात की है, तो सूर्य हमें सूर्योदय के पहले लाल और सूर्यास्त के बाद तक लाल दिखाई देता है, किसके कारण होता है, तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन सी चुना है अपवर्तन के कारण, तो राइट आंसर है अपवर्तन के कारण से हमें सूर्योदय पहले ही कुछ दिखाई देता है तथा तो सूर्योदय बाद भी कुछ देर तक दिखाई देता है। अगर 100 °C तक का एक ग्राम पानी उसी ताप पर भाप में बदल जाता है तो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या होगी, तो यदि आपने ऑप्शन डी चुना है 2257 जूल, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने, कहता है एक उपग्रह पृथ्वी के चतुर्दिक घूम रहा है, उसके अंदर एक जार में पानी पारी रखा है, जार के पानी में एक कार्क को धकेल दिया जाता है और फिर छोड़ दिया जाता है, तो कार्क होगा, तो यहाँ से अगर आपने उसे डी चुना जार की दीवार से चिपक जाएगा, तो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, कहता है किसकी दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता बढ़ा सकते हैं, तो क्या है अगर आपने ऑप्शन ए चुना है नेत्रिका की फोकस दूरी घटाकर, तो राइट आंसर किसी सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता नेत्रिका की फोकस दूरी घटाकर बढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, कहता है रात में तारों के टिमटिमाने का कारण क्या होता है, तो यदि आपने ऑप्शन बी चुना अपवर्तन, तो राइट आंसर रात में तारे का टिमटिमाना क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन 20 आपके सामने है, ध्यान से बताइएगा राइट आंसर, कहता है राकेट डैश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, राकेट किसके संरक्षण पर काम करता है, तो याद रखिएगा राकेट आपका क्या है, रेखी समीकरण पर काम करता है, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। 21 की बात करें, कहता किसी वस्तु का भार पर्याप्त रूप से बढ़ जाएगा यदि इसे ले जाया जाए,
तो भार कब बढ़ेगा? तो आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाए जिसके भार में बढ़ोतरी होगी। 22 की बात करें, कहता है कि एक व्यक्ति 1 घंटे में 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, उत्तर की ओर चार जाता है, और फिर अगले घंटे 3 किलोमीटर पूरब की तरफ, उत्तर फिर 3 किलोमीटर पूरब की तरफ जाता है, 1 घंटा 2 घंटा हो गया, उसकी औसत वेग क्या होगी? सिंपल क्वेश्चन है, इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे हो। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ से देखते हैं, कहता है कि पृथ्वी पर निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो क्या है, कौन सा तत्व आपसे पूछा सर्वाधिक मात्रा में? तो अगर आपने ऑप्शन सही चुना ऑक्सीजन, तो राइट आंसर ऑक्सीजन, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, कहता है एक अल्फा कण बना होता है किससे? राइट आंसर आप होता है, तो याद रखिए एक अल्फा कण 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन से बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, कहता है निम्न में से सबसे भारी परमाणु कौन सा है? तो सबसे भारी की बात करें, तो अगर आपने ऑप्शन सी चुना यूरेनियम, तो राइट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक तथा चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।